उधर पिछले 16 दिनों के अंदर बिहार में धमाके की 3 वारदातें हुई हैं, जिसमें ताजा घटनाक्रम सिवान का है। हालांकि ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी कि कोई बड़ा नुकसान होता, फिर भी एक 3 साल का बच्चा और उसके पिता घायल हो गए। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद पिछले 2 ब्लास्ट का सीक्वेंस अब बिहार में फिर से आतंक के स्लीपर सेल के एक्टिव होने का इशारा कर रहा है, क्योंकि तीनों धमाकों में कुछ ऐसा है जो कॉमन है। अब क्या है कॉमन और इन धमाकों से कैसे जुड़े आतंक के तार, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकियों का सेफ पैसेज, यानी बिहार में क्या कोई बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही है? क्या बिहार और बंगाल बॉर्डर पर आतंकी संगठन नया बेस तैयार कर रहे हैं? या बिहार में फिर से आतंकियों का स्लीपर सेल एक्टिव हो गया है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 1 महीने के अंदर बिहार के अलग अलग शहरों में 3 ब्लास्ट हो चुके हैं और तीनों ब्लास्ट का स्वरूप बता रहा है कि हर धमाके में किसी ऐसे विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। धमाकों की इन कड़ियों को जोड़ने से पहले सिवान में हुए ताजा धमाके के बारे में जान लीजिए, जिससे हाल ही में हुए दूसरे धमाकों के बारे में चौंकाने वाले लिंक मिल रहे हैं। जगह जुड़कन गांव, थाना हुसैनगंज, सिवान। 20 जून को दोपहर के वक्त सिवान के इसी गांव में एक धमाका हुआ, जिसमें एक पिता और उसका बेटा घायल हो गए। वारदात जिस नाटकीय ढंग से हुई वो सीधे सीधे साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन इस साजिश को शंका के घेरे में खड़ी करती है विस्फोट की क्षमता, क्योंकि विस्फोट हाथ में होने के बावजूद नुकसान उतना नहीं हुआ जितने की आशंका थी। अब कैसे हुई ये वारदात, इसका सीक्वेंस देखिए। धमाके में घायल विनोद मांझी अपने बेटे के साथ थे। विनोद मांझी का काम मस्जिद के पीछे चल रहा था। रविवार की दोपहर सगीर साई नाम का शख्स आया। सगीर साई ने विनोद मांझी को एक थैला थमा दिया। 1 घंटे में आने वाले एक शख्स को थैला देने को कहा। थैला देकर सगीर जैसे ही आगे बढ़ा धमाका हो गया और इस धमाके में विनोद मांझी के साथ उनका बेटा सत्यम भी घायल हो गया, जिन्हें पहले सदर अस्पताल लाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात में थैला देने वाला सगीर साई भी घायल हुआ है, लेकिन अब तक वो फरार है। इस वारदात के बाद सिवान पुलिस ने मुजफ्फरपुर से FSL की टीम को बुलाया ताकि धमाके में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की जांच हो सके। वहीं पुलिस को फरार सगीर की तलाश है। बिहार के सिवान में हुई वारदात आतंकी गतिविधि की बू आने वाली पहली घटना नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आतंकियों के लिए सेफ पैसेज माना जाने वाला बिहार फिर देश के गद्दारों की गिरफ्त में आ चुका है? जो आतंकियों का स्लीपर सेल मॉड्यूल अचानक एक्टिव हुआ है? इन सवालों की पृष्ठभूमि इसलिए बन रही है क्योंकि हाल ही में हुए कुछ घटनाओं ने इन सवालों को उठाने पर मजबूर किया है। घटनाएं देखी। 8 जून 2021 को बांका के मदरसे में बड़ा धमाका हुआ था। इस धमाके में मस्जिद से लगा मदरसा पूरी तरह ढह गया। ब्लास्ट में इसी मदरसे के एक मौलवी की भी मौत हो गई थी। मदरसे में मौजूद 7 से 8 लोग भागने में कामयाब हो गए थे। मदरसे का धमाका इतना जबरदस्त था कि अगल बगल के घरों की खिड़कियां भी ध्वस्त हो गई। मदरसे का एक हिस्सा उड़कर सड़क के दूसरी तरफ गिर गया और गाँव के ज्यादातर पुरुष वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ने जाँच की, शुरुआत में गैस सिलेंडर विस्फोट बताया गया, फिर थ्योरी बदल कर देसी बम से हुए धमाके की बात कही गई, लेकिन जांच NIA के पास चली गई। यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में और इतना भारी विस्फोटक भी होगा ये किसी को इल्म तक नहीं था, और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पूरा का पूरा मदरसा जिस तरीके से जमींदोज हो चुका है, और सिर्फ छत ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा ये मदरसा, कुछ जो दूसरे तरफ का हिस्सा है, वो जो मस्जिद का एक हिस्सा है, बगल में मकान है, उसकी सारी खिड़कियां चकनाचूर हो चुकी हैं। इस वारदात में अब तक ये खुलासा नहीं हो सका है कि धमाके में किस विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जिस तरह से धमाका हुआ उसने आतंकी साजिश यानी स्लीपर सेल के एक्टिव होने की आशंका को बढ़ा दिया है, क्योंकि ठीक ऐसा ही धमाका इससे पहले बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के वर्धमान में भी हो चुका है, जहां विस्फोट के बाद एक मकान ध्वस्त हो गया था। NIA की जांच में खुलासा हुआ था कि वर्धमान में उस मकान के अंदर IED बनाए जा रहे थे
और इसमें बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमायत उल मुजाहिदीन का हाथ था। इसलिए बांका में भी एक बॉक्स का हिस्सा मिलने पर गहराई से जांच की दरकार महसूस हुई। अब एक और अनुभव देखिए। 16 जून 2021 को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ। रेलवे पार्सल में हुए इस धमाके की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं थी। जांच में पता चला कि धमाका बोतल में रखे लिक्विड से हुआ। दरभंगा रेलवे स्टेशन में विस्फोट की जांच एटीएस को सौंपी गई। लिक्विड सिकंदराबाद से दरभंगा के लिए पार्सल में आया था। इस लिक्विड को मोहम्मद सूफियान के पते पर भेजा गया था और इसमें अहम बात यह कि पार्सल के पैकेट पर लिखा मोहम्मद सूफियान का पता फर्जी पाया गया, जिसके बाद आशंका और ज्यादा मजबूत कि क्या आतंकी संगठन बिहार में केमिकल बम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कल ट्रेन आई थी सिकंदराबाद से दरभंगा 1:18 पर। वहीं पार्सल जो वहाँ से सप्लाई हुआ था, वो पार्सल जब अनलोड हो रहा था तो एक जूट भरे बैग में काफ़ी कपड़े भरे हैं। उन कपड़ों को जब उतारा जा रहा तो वो ज़मीन पर जोर से रखा तो अंदर से एक ब्लास्ट हुआ और आग लग गया, उसमें कपड़ों में आग लग गया। और उसके बाद जब सब लोगों ने जाकर देखा तो कपड़े जले हुए थे और एक शीशे में कुछ ऐसा लिक्विड था जिससे लगा कि आग लगा हुआ। आशंका के इर्द गिर्द घूमती पुलिस की जांच भी आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रही, क्योंकि कई जांच रिपोर्ट में ये खुलासा हो चुका है कि आतंकवादी किसी वारदात को अंजाम देकर बिहार के रास्ते नेपाल या बांग्लादेश भाग निकले। वहीं खुफिया एजेंसी भी इस बात की पुष्टि कर चुकी कि आतंकी संगठन बिहार को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, श्री पार्सल के जरिए अपनी जड़ें बिहार में मजबूत कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।